और मैं इस पूरा भव्य रूप जो यहाँ आज बन चुका है उसके लिए राष्ट्रीय संसद डॉ सुभाष चंद्र जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भजन दास गर्जी के नेतृत्व में पूरे अग्रवाल समाज की टीम का आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे मीडिया कर्मी जो यहाँ पहुँचे हैं मैं उनका भी यहाँ अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अब आज का कार्यक्रम का शुभारंभ। आइए विनोद जी से प्रार्थना करूँगा कि प्लीज कंटिन्यू। जो भारत का ज्ञान है उसके बिना सारा ज्ञान अधूरा है। बच्चे रो रहे हैं, संस्कृति समाप्त होती चली जा रही है। जो परमादर गणेशी लाल जी, परमादर जी है अग्रवाल जी, वित्त मंत्री जी, श्री लक्ष्मीदेव गोयल जी, श्री गजेंद्र चौधरी, ऐसे ऐसे महान विद्वान सब तो कुछ नहीं इनके आगे। जितना इनको ज्ञान है संतों से अनेकों गुना बढ़कर इनको ज्ञान है। तो ऐसे के साथ हम मिलकर चलेंगे जो हमें ये मार्ग दिखाएंगे कि क्या करना है देश के लिए, धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए, मोक्ष के लिए क्या करना है। तो मैं उनको गदर प्रणाम करता हूँ। सभी बोलेंगे अग्रवाल भगवान जी की। तो मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि आज से इन्हें महाराजा की जगह भगवान श्री अवरोहा जी आप सभी बोलेंगे। जय भगवान श्री अहो अवरोहा महाराज जी की। योजना हमने और बनाई है, हम उसको जल्दी ही उसे भी हम पूरा करेंगे। आज 18 गोत्र अग्रवाल समाज के उनका भी हमने मंदिर का शुभारंभ किया है। आज जो मंदिर में धाम की खुदाई के अंदर कुल देवी माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से यहाँ पर बाबा हनुमान जी की खुदाई के अंदर जो मूर्ति निकली थी उसका भी भव्य मंदिर बनाने जा रहे हैं और उसके साथ साथ आपको घर का विस्तार करने जा रहे हैं। श्री रामेश्वर धाम का जो मंदिर है उसका भी सुंदरीकरण करने जा रहे हैं। कई और योजना, एक 56 कमरे सेंटर ऐसी और उसकी बिल्डिंग का निर्माण भी हम करने जा रहे हैं। तो मैं आपसे एक ही अपील करूंगा, देखिए भाई हमारे लिए देश पहले, हमारे लिए जनता पहले है। जनता की जो आवाज होगी, जनता का जो आदेश होगा हमारे लिए परम पिता परमात्मा का आदेश होगा। उसकी हर हालत में हमारी टीम पालना करेगी। आपकी सेवा के लिए 24 घंटे हमारी टीम खड़ी है। और एक बात और कहता हूँ, जहाँ जो सेवा की टीम लगी हुई है